आज दिल्ली के इंडस्ट्रियल एरिया में बड़े बड़े मेटल गेट से बंद फैक्ट्रीज, जिनके चारों ओर वॉकी टॉकी लिए गार्ड्स खड़े रहते हैं। बाहर से देखने पर किसी को नहीं पता इन फैक्ट्रीज में आखिर चल क्या रहा है, लेकिन रात को जब इनका गेट खुलता है तो यहाँ पर काम कर रहे छोटे छोटे बच्चे बाहर आते हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, इन फैक्ट्रीज में बच्चे काम करते हैं। इन्हीं लड़कों में से एक छोटा बच्चा बताता है कि इन फैक्ट्रीज में एक मिनट के लिए भी मशीन नहीं रुकती। एक मिक्सचर तैयार होता है जिसको 2 ग्राम के एक पाउच में डालकर बाजार में बेच दिया जाता है। अगर इन पाउचेस को देखा जाए तो ये किसी आम टॉफी या माउथ फ्रेशनर जैसे दिखते हैं, लेकिन असल में इन पाउचेस पर मौत लिखी है। मैं बात कर रहा हूँ पान मसाले की। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि आज इस चीज को खुलेआम बड़े बड़े सेलिब्रिटीज प्रमोट करते हैं। आपको बैनर दिख जाएंगे, अलग अलग टीवी एड्स देखने को मिलेंगे, ये जानते हुए भी कि इस चीज से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां होती हैं, आखिर क्यों इस चीज को खुलेआम प्रमोट किया जा रहा है? आखिर वो कौन कौन लोग हैं जो इसको लाख कोशिशों के बावजूद भी बैन नहीं होने दे रहे? आखिर क्या है इस पूरी पान मसाला इंडस्ट्री का सच, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तंबाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी कई लोग तंबाकू का सेवन करते हैं। दिल्ली सरकार ने 1 साल के लिए पान मसाले पर बैन लगा दिया है। पान गुटखा खाने की वजह से मेरी हालत हो गई है। जब भी तंबाकू से होने वाली डेथ्स का सवाल आता है तो हमारे दिमाग में चेन स्मोकर्स और सिगरेट जैसी चीजें आती हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है, क्योंकि आज रियल प्रॉब्लम तो स्मोकलेस टबैको है, जो जर्दा, गुटका, खैनी, पान मसाला इन सब चीजों में इस्तेमाल होता है। ये बात बहुत ही कम लोगों को पता है, लेकिन आज इंडिया में प्रोड्यूस होने वाले टोबैको का सिर्फ 14% सिगरेट में इस्तेमाल होता है, बाकी का 38% बीड़ी में, और सबसे ज्यादा टोबैको इस्तेमाल होता है चबाने वाले टोबैको प्रोडक्ट्स में, जो कि है 48%। और आज पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने वाले स्मोकलेस टबैको का 70% सिर्फ इंडिया में इस्तेमाल होता है, और यही कारण है कि आज इंडिया में होने वाले 90% कैंसर ओरल कैंसर है। आज इसी स्मोकलेस टबैको के कारण हर साल 2.5 लाख से भी ज्यादा इंडियंस को अपनी जान गंवानी पड़ती है। लेकिन इस सबके बीच एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर तंबाकू चबाना इतना ही खतरनाक है तो हमारी गवर्नमेंट इसको बैन क्यों नहीं कर देती? इनफैक्ट बैन तो छोड़ो, कैसे आज हमारे देश के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इतनी आसानी से इन प्रोडक्ट्स को खुलेआम प्रमोट कर पा रहे हैं, और ऐसा क्यों है कि इनको रोकने के लिए आज सरकार द्वारा कोई भी स्टेप नहीं लिया जा रहा? आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी, मगर आज हमारे देश के बड़े बड़े पॉलिटिशियन से लेकर बिजनेसमैन तक हर कोई आपको ये जहर बेचना चाहता है। अब ये क्यों और कैसे किया जाता है, इसको समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा। हमारे देश में ये जो तंबाकू चबाने का कल्चर है, इसको शुरू किया था मनसुख भाई कोठारी ने, जिनको आज फादर ऑफ पान मसाला इंडस्ट्री भी कहा जाता है। इनका जन्म एक गुजराती परिवार में हुआ था, और जैसा कि आमतौर पर एक गुजराती का माइंडसेट बिजनेस वाला होता है, उसी तरह से इन्होंने भी 23 साल की उम्र में अपना एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। उस टाइम पर हमारा देश नया नया आजाद हुआ था, अगर एग्जैक्ट टाइम बताऊं तो साल था 1948, और मनसुख भाई उस वक्त कोलकाता में एक दुकान से दूसरी दुकान जाकर हेयर ऑयल बेचा करते थे। पर जब भी वो कोलकाता से वापस गुजरात आते थे तो वो सिगरेट्स लेकर आते थे, जिनको वो कानपुर में जाके बेचते थे। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीता तो मनसुख भाई ने टिन के डिब्बों में कोकोनट ऑयल पैक करके बेचना शुरू किया। अब कई सालों तक ये तेल का बिजनेस ऐसे ही चलता रहा, और साल आ जाता है 1973, जब मनसुख भाई 150 स्क्वायर फीट की एक छोटी सी जगह लेकर 12,000 रुपए के साथ पान पराग की शुरुआत करते हैं। स्टार्टिंग के दिनों में पान पराग एक पान मसाला प्रोडक्ट था, जो कि बीटल नट्स, कार्डमम, लाइम, कैटाशू और कुछ नेचुरल परफ्यूम्स का इस्तेमाल करके बनाया जाता था। उस टाइम पर जो पान पराग था उसका टबैको से कोई रिलेशन नहीं था। इनफैक्ट मनसुख भाई ने जब इसको लॉन्च किया था तो इसको पान के एक अल्टरनेटिव की तरह मार्केट में लाया गया, इसीलिए ये बहुत ही कम वक्त में हमारे देश में एक बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट बन जाता है, क्योंकि उस जमाने से लेकर आज तक पान जो है वो इंडिया की शादियों में, त्योहार में, पूजा में, ऑलमोस्ट हर एक जगह पर एक माउथ फ्रेशनर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इनफैक्ट पान की जो सिग्निफिकेंस है वो आज भी आपको बहुत सारे इंडियन स्क्रिप्चर्स में लिखी हुई मिल जाएगी। इन स्क्रिप्चर्स में सोशल, कल्चरल, रिलीजियस, यहाँ तक कि डे टू डे लाइफ में हर जगह पर पान की पत्तियों की इम्पोर्टेंस बताई गई है। यही कारण था कि अपने लॉन्च होने के साथ ही पान पराग एक सुपरहिट प्रोडक्ट साबित होता है। उस टाइम पर जो पान पराग था वो केवल एक 100 ग्राम के राउंड टिन बॉक्स में आया करता था, जिसमें ये लोग एक चम्मच भी साथ में देते थे। ये 1970 की बात है, उस जमाने में एक छोटा सा चम्मच भी एक बहुत बड़ा इनोवेशन था, क्योंकि इससे पहले किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि पान मसाला जैसी चीज को भी एक प्रोडक्ट के तौर पर बेचा जा सकता है। उस टाइम पर कोई इंटरनेट नहीं था,
थोड़े बहुत लोग डेली न्यूज़पेपर पढ़ते थे और रेडियो टीवी जैसे जो प्रोडक्ट्स थे वो सिर्फ अमीर लोगों के घर में पाए जाते थे। लेकिन लोगों को पान पराग इतना पसंद आता है कि ये वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से ही बहुत पॉपुलर हो गया। अब इसी पॉपुलैरिटी को देखते हुए जो लोकल पान शॉप्स थे उन्होंने भी पान पराग के डब्बों को अपनी दुकान पर रखना शुरू किया, जिससे हुआ ये कि ये प्रोडक्ट और भी तेजी से पॉपुलर होने लगा। फिर अपने इसी बिजनेस को और बड़ा करने के लिए 1983 में मनसुख भाई ने पहली बार पान पराग का टीवी एड लॉन्च किया, जिसके बाद अगले 5 सालों तक पान पराग की इतनी ज्यादा मार्केटिंग करी गई कि 1983 से लेकर 1985 के बीच में ये प्रोडक्ट इंडिया का सबसे ज्यादा एडवर्टाइज होने वाला प्रोडक्ट बन गया। कंपनी ने एक एड खूब दबाकर चलाया जिसका स्लोगन था, भारतीयों का स्वागत पान पराग से कीजिए, क्योंकि मनसुख भाई का विजन ये था कि पान पराग को इंडिया के घर घर तक पहुंचाना है। कंपनी का गोल ये था कि जो एक्चुअल पान होता है जिसको पनवाड़ी से लोग खरीदते हैं उसको लोग पान पराग से रिप्लेस कर दें। लेकिन एक दिक्कत थी, वो ये कि पान पराग को इंडिया के घर घर तक पहुंचाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि इंडिया अभी भी डेवलप हो रहा था। और उस टाइम की तो छोड़ो, आज भी इंडिया में मैक्सिमम लोगों के लिए जो पान पराग का टिन बॉक्स है उसको खरीदना किसी लग्जरी से कम नहीं है। अब ये जो गैप था इसको पूरा करने के लिए 1985 में मनसुख भाई ने पान पराग का जो टिन बॉक्स है उसके साथ साथ छोटे छोटे पाउचेस में भी इसको बेचना शुरू किया। 5 ग्राम का एक सैशे निकाला जिसको हर एक इंडियन अफोर्ड कर सकता था। और जैसे ही ये छोटा पैकेट लॉन्च होता है मार्केट तहलका मच जाता है, क्योंकि यही वो जगह थी जहां से एक नई इंडस्ट्री का जन्म होता है, स्मोकलेस टबैको इंडस्ट्री। अब पान पराग की जो सक्सेस थी उसको देखकर 1990s में बहुत सारे प्लेयर्स ने इस मार्केट में एंट्री लेना शुरू किया, जिसको देखते हुए पान पराग को ये समझ में आता है कि अब नॉर्मल पान मसाले से काम नहीं चलने वाला। प्लस जो बाकी कॉम्पिटिटर्स थे जैसे कि कमला पसंद, विमल, शिखर, इन सभी लोगों ने अब अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए टबैको प्रोडक्ट्स भी बेचना शुरू कर दिया था। अब टबैको से होता ये था कि इस टबैको को लोग पान मसाला के साथ मिक्स करके खाते थे और उसी टबैको में मौजूद निकोटीन जो कि उनकी बॉडी में जाकर हैप्पी हार्मोन डोपामिन को रिलीज करता था वो उनको इस पान मसाले का और बड़ा एडिक्ट बना देता था। जिस वजह से जिन जिन कंपनियों ने पान मसाले के साथ टबैको बेचा उन सबकी सेल्स बहुत तेजी से बढ़ने लगी। और इसी चीज को देखकर पान पराग ने भी ये सेम स्ट्रेटजी इस्तेमाल करनी शुरू कर दी। इसलिए आज अगर आप देखोगे तो विमल, कमला पसंद, शिखर, बाबा, रजनीगंधा ऐसे कई सारे ब्रांड्स हैं जो कि खुलेआम टबैको बेचते हैं। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट में आपको ये 6 तरह के प्रोडक्ट्स दिखेंगे और यही वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि मेनली इस टबैको इंडस्ट्री को चलाते हैं, जिसमें पहला प्रोडक्ट है खैनी। टबैको को अगर आप धूप में सुखाकर उसमें चूना मिला दो तो ये प्रोडक्ट बनकर निकलता है। फिर जो दूसरा प्रोडक्ट है वो है गुटखा, जो कि क्रश्ड अरेका नट, टबैको, कैटेशू और चूना एंड इसके साथ साथ कुछ अरोमास को साथ में मिक्स करके फ्लेवर करके बनाया जाता है। फिर इसके बाद जो तीसरा प्रोडक्ट है वो है पान मसाला, ये भी एक तरीके का गुटखा ही होता है, लेकिन अगर जनरली देखा जाए तो इसमें कोई टबैको नहीं डाला जाता, बट उसके अलावा इसमें बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं। फिर इसके बाद जो चौथा है वो है जर्दा, ये रॉ टोबैको होता है जिसको अच्छा स्मेल कराने के लिए इसमें कई तरीके के स्पाइसेस और एडिटिव्स डाले जाते हैं। और इस सब के बाद जो 5वें और 6ठे नंबर पर आते हैं वो है गुदाकू और मावा, ये दोनों चीजें भी टबैको और बाकी चीजों का एक कॉम्बिनेशन होता है। अब देखो ये सारी चीजें इतनी जानलेवा क्यों है इसको साइंटिफिक तरीके से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टोबैको की। टोबैको चबाने से माउथ, टंग, गम्स, स्टमक, गॉल ब्लैडर, इन सारी चीजों के कैंसर होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि अकेले टबैको में ही 30 से ज्यादा ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि ह्यूमन बॉडी के सेल्स के डीएनए स्ट्रक्चर को ऑल्टर कर सकते हैं, जिस वजह से ये जो सेल्स हैं वो एबनॉर्मली मल्टीप्लाई होकर एक खतरनाक कैंसर का रूप ले सकते हैं। रेगुलर टबैको चबाने से आपका कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिससे आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस 60% तक बढ़ जाते हैं। पर जो सबसे भयानक बात है वो ये कि टबैको चबाना सिगरेट पीने से 3 गुना ज्यादा एडिक्टिव होता है, क्योंकि चबाने वाले टबैको में जो निकोटीन होता है वो एक सिगरेट से कई ज्यादा होता है। ये इतना ज्यादा होता है कि अगर आप एक छोटे से टबैको पाउच को 30 मिनट तक चबाते रहो तो वो 3 सिगरेट के बराबर बनता है। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो जो निकोटीन है वो एक ऐसा टॉक्सिक सब्सटेंस है जो कि आपके ब्लड स्ट्रीम में जाकर बॉडी में एड्रेनालिन ग्लैंड्स को एक्टिवेट करता है। अब ऐसा करने से होता ये है कि आपकी बॉडी ज्यादा अमाउंट में एड्रेनालिन हार्मोन को प्रोड्यूस करने लगती है। ये जो एड्रेनालिन हार्मोन है इसके रिलीज होने से हमें एक इंस्टेंट एनर्जी सी फील होती है, ऐसा लगता है कि बॉडी में पहले से ज्यादा जान आ गई। अब ये जो फीलिंग आपको आती है आप इस फीलिंग को बार बार हासिल करना चाहते हो, और क्योंकि ये फीलिंग टबैको चबाने से आई है
तो अब आपको इस फीलिंग के लिए दोबारा टबैको चबाना पड़ेगा। ये जितने भी चबाने वाले टबैको प्रोडक्ट्स आपको मार्केट में दिखते हैं, अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो टबैको के अलावा इसमें अरेका नट ये भी मिलाया जाता है, जिसको देसी भाषा में सुपारी कहते हैं। अब शायद बहुत से लोगों को पता नहीं है, मगर ये जो सुपारी है ये भी एक कार्सिनोजेनिक एडिक्टिव सब्सटेंस है, जिसको अगर बिना टबैको के भी आप कंज्यूम करते हो तो आपको कैंसर हो सकता है। साल 2003 से लेकर 2011 के बीच में FDA यानी कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने जो गुटखा है उसके 1117 सैंपल्स कलेक्ट किए, जिनमें से 98 सैंपल्स में मैग्नीशियम कार्बोनेट पाया गया। अब जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं, ये जो मैग्नीशियम कार्बोनेट है इसको दरअसल फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, और ये चीज ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बहुत खतरनाक है। लेकिन इसके बावजूद भी ये जो गुटखा कंपनीज हैं ये इसको इसलिए इस्तेमाल करती है क्योंकि ये एक प्रकार का एंटी केकिंग एजेंट है, जो कि बेसिकली गुटखा के बाकी इंग्रेडिएंट्स को फ्रीली मूव करने में मदद करता है, और इससे जो गुटखा है उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ती है। मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम आम भाषा में कैस्टिक चूना भी कहते हैं, ये एक तरीके का एल्कलाइन एजेंट होता है जो कि गुटके के pH लेवल को बढ़ा देते हैं, जिससे कि जो गुटका है वो थोड़ा कड़वा लगता है। अब इससे होता ही है कि जब आप इसको खाते हो तो मुंह के अंदर जो पतली सी लेयर है स्किन की, ये उसको जला देता है, जिससे कि जो टबैको है उसके अंदर मौजूद निकोटीन इजीली आपके ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो पाए। अब जरा समझने की कोशिश करना, ये जो स्किन के ऊपर वाली लेयर आपकी गुटका खाने से डैमेज हुई है उसको हमारी बॉडी रिपेयर करने की कोशिश करती है, लेकिन जो रेगुलर गुटका खाने वाले लोग हैं वो बार बार गुटका चबाते रहते हैं, जिस वजह से ये जो मुंह के अंदर डैमेज और रिपेयर की साइकिल है ये थ्रू आउट चलती रहती है। मगर एक वक्त ऐसा आता है जब बॉडी इस चीज को सह नहीं पाती, और तभी ये चीज हमारे DNA को डैमेज करके कैंसर का रूप लेती है। अभी तक यहाँ पे हमने सिर्फ कुछ गिने चुने केमिकल्स की बात करी है, लेकिन अगर इंडियन जर्नल ऑफ कैंसर के हिसाब से देखा जाए तो स्मोकलेस टबैको के अंदर 4200 से भी ज्यादा केमिकल्स होते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर ये चीज इतनी खतरनाक है तो फिर हमारी गवर्नमेंट इसको बैन क्यों नहीं करती? ऐसा क्यों है कि आज बड़ी बड़ी कंपनीज इन प्रोडक्ट्स को बिलबोर्ड से लेकर TV और सोशल मीडिया पर हर जगह पर खुलेआम प्रमोट कर पा रहे हैं? तो देखो, टबैको के बढ़ते कंजम्पशन को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने साल 2003 में सिगरेट्स एंड अदर टबैको प्रोडक्ट्स एक्ट यानी कि COTPA को पास किया, जिसमें टबैको से रिलेटेड सभी प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट्स पर रोक लगा दी गई। इसके साथ साथ इस एक्ट के अंडर टबैको के प्रोडक्शन, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन, इन सारी चीजों को भी रेगुलेट किया गया। इनफैक्ट साल 2007 में भी इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनल टबैको कंट्रोल प्रोग्राम यानी कि NTCP को लॉन्च किया था, जिसमें कि सिगरेट्स और टबैको प्रोडक्ट्स के बाकी सभी एडवर्टाइजमेंट्स पर कंप्लीट तरीके से बैन लगाया गया। इनफैक्ट ये भी रूल लाया गया कि अगर कोई NTCP प्रोग्राम को फॉलो नहीं करता तो उसको एक मोटा फाइन देना पड़ेगा और शायद वो जेल भी जाए। हमारे देश में केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स, जो कि 1994 में लागू करे गए थे, उसके सेक्शन 7(2) के अंदर किसी भी टबैको प्रोडक्ट्स, अल्कोहल या फिर कोई भी इंटॉक्सिकेटिंग प्रोडक्ट्स को मीडिया के अंदर किसी भी तरीके से एडवर्टाइज करने के ऊपर बैन लगाया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, साल 2011 में हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर आने वाली फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI ने जिन जिन पान मसाला प्रोडक्ट्स के अंदर टबैको या फिर किसी भी प्रकार का निकोटीन पाया जाता है उन सबको बैन कर दिया। सो इसी तरीके से भारत में बिक रहे जितने भी टबैको प्रोडक्ट्स थे उन सबके प्रमोशन के ऊपर बैन लगाया गया। अब कोई भी अगर इन प्रोडक्ट्स का किसी भी तरीके का एडवर्टाइजमेंट करता है तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस था। लेकिन यहाँ पर सवाल ये कि क्या ये सब कुछ करने का कोई फायदा हुआ? क्योंकि आज भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सारे प्रोडक्ट्स खुलेआम प्रमोट हो रहे हैं। जिन भी रूल्स एंड रेगुलेशंस की हमने अभी बात करी वो सब टोबैको कंजम्पशन को कम करने में बुरी तरीके से फेल हो गए हैं। अब ये क्यों और कैसे हुआ, इसको समझने के लिए हमें इन दो चीजों को डिटेल में समझना होगा, जिसमें पहला है लूप होल्स। नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, इन्होंने नवंबर 2020 में हेल्थ मिनिस्ट्री को एक 50 पेजेस की रिपोर्ट सबमिट करी थी, और इस रिपोर्ट में उन सभी लूप होल्स का जिक्र किया गया था जो कि साल 2003 में बनाए गए सिगरेट्स एंड अदर टबैको प्रोडक्ट्स एक्ट यानी कि COTPA के अंदर मौजूद थे। इस रिपोर्ट में अगर ध्यान से देखें तो जो पहला सबसे बड़ा इशू हाईलाइट किया गया था वो ये था कि जो COTPA लेजिस्लेशन है वो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ टोबैको कंट्रोल, इसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करता। दरअसल टोबैको से दुनिया को बचाने के लिए साल 2003 में WHO ने फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर टोबैको कंट्रोल इसको लॉन्च किया था, और ये जो ट्रीटी थी इसमें ऐसे कई सारे एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस को मेंशन किया गया जिससे टबैको की डिमांड और सप्लाई को कम किया जा सकता है। अब ये जो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट हेल्थ मिनिस्ट्री को दी गई थी, इसमें कई सारे इश्यूज को रेज करने के साथ साथ 11 रिकमेंडेशंस भी एडेड थे। इन रिकमेंडेशंस की मदद से जो सिंगल स्टिक सिगरेट्स हैं, लूज
इंड्यूस टबैको प्रोडक्ट्स हैं जो छोटे छोटे पैक्स में मार्केट में बिकते हैं, इन सब की सेल पर बैन लगा सकते थे। अब अगर हम इन टबैको प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट बनाए गए लूपहोल्स की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा लूपहोल है वो है सरोगेट एडवर्टाइजिंग का। क्योंकि आज रूल्स के हिसाब से तो इंडिया के अंदर आप टोबैको या फिर निकोटीन वाले प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज नहीं कर सकते, पर फिर भी कंपनी सरोगेट एडवर्टाइजिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करती है अपने इन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए। अब इसमें होता ये कि कंपनी दो तीन प्रोडक्ट्स को बनाती है जिनमें से एक प्रोडक्ट अलाउड होता है और बाकी दो प्रोडक्ट्स अलाउड नहीं होते हैं, और जो प्रोडक्ट अलाउड होता है वो सभी गवर्नमेंट रूल्स को फॉलो करता है जिसको ये कंपनी दबाकर मार्केट करती है। मगर इसमें एक कैच होता है, और कैच ये है कि जो मार्केट करे जाने वाला प्रोडक्ट है उसका नाम बाकी दो नॉन अलाउड प्रोडक्ट से काफी मिलता जुलता होता है। अब अगर टेक्निकली देखा जाए तो यहाँ पर कंपनी ने मार्केटिंग तो उसी प्रोडक्ट की करी जो कि एक्चुअली में अलाउड है, मगर कहीं ना कहीं जो प्रोडक्ट्स अलाउड नहीं है मार्केट करना उनकी भी मार्केटिंग ऑटोमेटिकली हो गई। फॉर एग्जाम्पल ये बैनर देखिए, इसमें अमिताभ बच्चन और रणवीर सिंह जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज कमला पसंद ब्रांड की सिल्वर कोटेड इलायची को प्रमोट कर रहे हैं। अब यहाँ पे रूल्स के हिसाब से ये करना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि इलायची तो एक नॉर्मल फूड आइटम है जिसको आज इंडिया में हर जगह पर कंज्यूम किया जाता है। लेकिन एक बार आप कमला पसंद का इलायची पाउच और कमला पसंद पान मसाला इन दोनों प्रोडक्ट्स को साथ में देखो, दोनों में आपको बहुत कम फर्क नजर आएगा। सेम ऐसे ही अगर आप शाहरुख खान, अक्षय कुमार और अजय देवगन द्वारा प्रमोटेड विमल इलायची और विमल पान मसाला देखोगे तो आपको ये दोनों प्रोडक्ट्स सेम दिखाई देंगे। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्रमोट तो इलायची को किया जा रहा है, मगर कंपनी का एक्चुअल जो प्रॉफिट है वो इलायची से नहीं बल्कि जो टबैको प्रोडक्ट्स हैं उनको बेचने से आता है। जरा इस चार्ट को ध्यान से देखना, इसमें पान पराग को बेचने से कंपनी को जो पैसा आ रहा है वो है 6.37 करोड़, लेकिन वहीं पर कंपनी इस प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट पर कितना पैसा खर्च कर रही है, 24.46 करोड़। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर पैसा खर्च किया जा रहा है वो दरअसल किसी और तरीके से आ रहा है। अब ये जो सेलिब्रिटीज हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इन लोगों को इस बात का पता ना हो, सबको पता होता है कि ये सब जो चल रहा है आखिर इसके पीछे असली गेम क्या है, लेकिन फिर भी पैसों के लालच में ये लोग आपको टबैको जैसा स्लो पॉइजन खुलेआम प्रमोट कर देते हैं। जो लोग इनको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, इनके सबसे बड़े फैन हैं, ये उन्हीं को जहर बेच देते हैं। फिर जब 2011 में गवर्नमेंट ने टबैको और निकोटीन वाले प्रोडक्ट्स के ऊपर बैन लगाया था तो वहीं पर इन लोगों ने एक लूपहोल निकाल लिया। सभी पान मसाला कंपनीज को ये समझ आ चुका था कि अब हम खुलेआम टबैको प्रोडक्ट्स को प्रमोट नहीं कर सकते हैं, तो इन्होंने पान मसाला और टबैको इन दोनों को अलग अलग पाउचेस में बेचना शुरू कर दिया। पहले क्या होता था कि टबैको को पान मसाला के साथ एक ही पाउच में बेचा जाता था, लेकिन 2011 के बाद कंपनीज ऐसा नहीं कर सकती थी। सो अब हमने ये तो देख लिया कि फंडामेंटली तो टबैको को लेकर हमारे देश में कोई बदलाव नहीं आया है, लोग पहले भी टबैको चबा रहे थे और आज शायद उससे भी ज्यादा चबा रहे हैं, क्योंकि इन सभी कंपनीज ने बिना गवर्नमेंट के रूल्स को वायलेट करे सरोगेट एडवर्टाइजिंग की मदद से लोगों को दबा कर ये जहर बेचा है। इनफैक्ट ये टबैको अलग पाउच में बेचने से कंपनीज ने अपने पान मसाला को जीरो निकोटीन और जीरो टबैको कहकर भी मार्केट करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से इनकी सेल्स और बढ़ गई है। लेकिन आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि जो रूल्स हैं, ये रेगुलेशंस हैं, ये सारी चीजें सिर्फ एक दिखावा है ताकि किसी को भी ऐसा ना लगे कि कुछ नहीं बदल रहा। पता है क्यों? इसका जवाब है इन्फोर्समेंट। अगस्त 2019 की बात है, बिहार के स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट ने 12 पान मसाला ब्रांड्स के सैंपल्स को एनालाइज किया, जिसमें ये सामने आया कि 12 में से 7 ऐसी कंपनीज हैं जिनके पान मसाला में निकोटीन पाया गया, जो चीज कम्प्लीटली इलीगल है। और इसमें राजश्री, रजनीगंधा और कमला पसंद ऐसे बड़े बड़े नाम भी शामिल थे जिनकी पैकेजिंग में ये बड़ा बड़ा लिखा होता है कि उनका प्रोडक्ट निकोटीन फ्री है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि निकोटीन के अलावा इन 12 सैंपल्स के अंदर मैग्नीशियम कार्बोनेट भी पाया गया है, वही चीज जो फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज होती है। बहुत ही दुख की बात है, पर हमारी जो लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज हैं, आज उनकी लापरवाही के चलते सारी कंपनीज इतनी आसानी से खुलेआम झूठ बोलकर अपने प्रोडक्ट्स बेच पा रही है। यहाँ तक कि आज हॉस्पिटल और स्कूल जैसे इंस्टीट्यूशंस के सामने खड़े दुकान वाले भी खुलेआम सिगरेट, गुटखा, तंबाकू सब कुछ बेचते हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता, क्योंकि हमारे देश में करप्शन इतना ज्यादा है कि किसी भी दुकान वाले को बस पुलिस वाले को हफ्ता देना पड़ता है और वो ये सारे काम खुलेआम कर पाता है। ज्यादातर लोगों को तो पता भी नहीं है, मगर इंडिया के अंदर पब्लिक प्लेसेस के अंदर थूकना एक पनिशेबल ऑफेंस है, पब्लिक प्लेसेस के अंदर स्मोकिंग करना भी मना है, एक पनिशेबल ऑफेंस है, आपको जेल हो सकती है, फाइन भरना पड़ सकता है। लेकिन
इसके बावजूद भी लोग ये सब कुछ खुलेआम करते हैं, इनफैक्ट पुलिस वालों के सामने करते हैं। और तो और, जब कोई गुटखा चबाने वालों से ये पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो बड़े गर्व से कहते हैं कि अगर टबैको चबाने से इतनी दिक्कत है, लोगों को इससे कैंसर हो रहा है, इससे पब्लिक प्रॉपर्टी खराब होती है, तो गवर्नमेंट इसको बैन क्यों नहीं कर रही। तो देखो, दरअसल गवर्नमेंट के इस चीज को बैन ना करने के पीछे एक सिंपल सा कारण है, और वो कारण है इकोनॉमिक बेनिफिट्स। अब देखो, इस चीज को डिटेल में समझने के लिए इसके दो पार्ट्स को समझते हैं, जिसमें पहला पार्ट आता है टबैको इकोनॉमिक्स। आज इंडिया दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट टबैको प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर भी है। अगर हम अकेले 2020 की बात करें तो इंडिया के अंदर 761,335 टन टबैको प्रोड्यूस किया गया था। अब ये जो टबैको है, इसका अच्छा खासा एक्सपोर्ट किया जाता है, जिससे कि हमारे फॉरेन रिजर्व्स को बेनिफिट होता है। अकॉर्डिंग टू टबैको इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अनुसार, साल 2023 में इंडिया ने 9,740 करोड़ का टबैको एक्सपोर्ट किया है, और सेंट्रल टबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार आज टबैको इंडस्ट्री के अंदर इंडिया के 3.6 करोड़ लोग काम करते हैं, जिसमें से 60 लाख फार्मर्स और 2 करोड़ फार्म वर्कर्स हैं, जो कि टबैको की प्रोडक्शन में मदद करते आए हैं। अब इसके बाद जो बचे हुए 1 करोड़ लोग हैं, वो इसकी प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट का काम करते हैं। और ये सब कुछ होने के बाद जब टबैको का फाइनल प्रोडक्ट बनकर सामने आता है, तो वहां पे भी बहुत सारे लोग काम करते हैं। जैसे अगर अकेली बीड़ी की बात करें, तो इसको बनाने में 44 लाख वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, जिनमें से ज्यादातर वर्कर्स तो फीमेल है। इसके अलावा 22 लाख ऐसे ट्राइबल वर्कर्स हैं जो कि टेंडू लीफ कलेक्ट करते हैं, जिसका इस्तेमाल बीड़ी बनाने के लिए किया जाता है। अब जाहिर सी बात है, जितने भी लोग टबैको इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वो सब के सब सरकार के वोट बैंक हैं। यही कारण है कि आज भी बहुत सारे पॉलिटिशियंस और इंडस्ट्रियलिस्ट इन टबैको प्रोडक्ट्स को बैन नहीं होने दे रहे। 2020 में जब गवर्नमेंट ने सिगरेट्स एंड अदर टबैको प्रोडक्ट्स एक्ट, इसके अमेंडमेंट बिल को पास किया था, तो एक इवेंट कराया गया। ये जो इवेंट था, ये स्वदेशी जागरण मंच और भारतीय मजदूर संघ, इन दोनों ने मिलकर करवाया था। और पता है इस इवेंट का स्पॉन्सर कौन था? ऑल इंडिया बीड़ी इंडस्ट्री फेडरेशन। इस इवेंट में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लेबर रामेश्वर तेली, राज्यसभा एमपी सुशील कुमार मोदी और प्रफुल्ल पटेल, ये सब लोग मौजूद थे। ये सभी लोग यहाँ पर बीड़ी लॉबी को मजबूत करने के लिए आए थे। इनका ये कहना था कि बीड़ी इंडस्ट्री बहुत सारे लोगों को रोजगार देती है। AIBIF के एक मेंबर अर्जुन खन्ना ने तो ये तक कह दिया था कि जो बीड़ी है, उसको टबैको प्रोडक्ट कहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारी महिलाओं को रोजगार प्रोवाइड करता है, जिनसे वो अपने बच्चों को स्कूल भेज पाती है। भारतीय मजदूर संघ के बी सुंदरन तो ये तक कहते हैं कि जब तक लोगों को एम्प्लॉयमेंट का एक अल्टरनेटिव नहीं मिल जाता, तब तक किसी को बीड़ी इंडस्ट्री को टच भी नहीं करना चाहिए। सो यहाँ पर लोगों ने बीड़ी इंडस्ट्री को सपोर्ट करने की बात करी, जो कि एम्प्लॉयमेंट के नजरिए से तो सही साबित होती है, मगर एक्चुअली में अगर देखा जाए तो ये इंडस्ट्री बहुत सारे लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देती है। पर यहाँ पर इस खतरनाक धंधे के पीछे जो दूसरा पार्ट है, वो है पान मसाला माफियाज। आज जो पान मसाला, गुटखा, खैनी, ये सारे ब्रांड्स आपको दिखाई देते हैं, वो सब बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स चला रहे हैं। रजनीगंधा, तुलसी और बाबा जैसे टबैको ब्रांड्स को चलाता है नोएडा बेस्ड डीएस ग्रुप, जिसका 2023 के अंदर जो रेवेन्यू था, वो था लगभग 5,500 करोड़। गुलाब, आरएमडी और कमला पसंद ऐसे ब्रांड्स को जो चलाता है, वो है मानिक चंद ग्रुप। और पराग जरदा के साथ साथ पान पराग, पराग हजार और पराग चटनी जैसे जितने भी ब्रांड्स हैं, ये सब पान पराग ब्रांड के अंडर आते हैं, जिसका 2023 में रेवेन्यू था 300 करोड़। आज इन सभी बिजनेस ग्रुप्स के अंडर लाखों लोग काम कर रहे हैं। साथ ही ये सारी कंपनीज पॉलिटिशियंस के साथ मिलकर काम करती है, उनको कैंपेन्स में मदद करती है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस के अनुराग ठाकुर ने फरवरी 2021 में बताया था कि टैक्स इवेजन के 189 केसेस में से 25 केसेस के अंदर टबैको कंपनीज का इन्वॉल्वमेंट है, और 21 केसेस तो ऐसे हैं जिनको इन पान मसाला कंपनीज के अगेंस्ट ही रजिस्टर किया गया है। कई बार इन कंपनीज के ऊपर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड्स तक पड़ चुकी है, जिसमें करोड़ों रुपए का कैश मिला है। जैसे जनवरी 2022 में जेएमजी ग्रुप से 410 करोड़, दिसंबर 2021 में शिखर पान मसाला से 150 करोड़, और जुलाई 2021 में एक अनआइडेंटिफाइड मसाला ब्रांड कंपनी से 400 करोड़ रुपए का कैश मिला है। ऐसे ही दिसंबर 2021 में परफ्यूम मेकर पीयूष जैन को जब ईडी ने अरेस्ट किया, तो उसके यहाँ से 177 करोड़ रुपए कैश मिला। ये जो पीयूष जैन है, ये इन पान मसाला कंपनीज को एडिबल एसेंस प्रोवाइड करता था, जिससे कि इन पान मसालों में आपको खुशबू आती है। इस वीडियो में अगर आपको मजा आया तो ये राइट वाली वीडियो जरूर से देखना। इसमें मैंने एकदम डिटेल में बताया है कि कैसे आज कई सारी कंपनीज आपको ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी के नाम पर बेवकूफ बना रही है, कैसे ये लोग आज आपको एक मीठी गोली देकर आपके सारे पैसे लेकर गायब हो जाते हैं।